आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूपी में भाजपा को बड़ी जीत मिलने के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला कर सकता है। सीएम योगी को भाजपा संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे पर पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूपी में भाजपा को बड़ी जीत मिलने के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला कर सकता है। सीएम योगी को भाजपा संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्य होते हैं, अभी जिसमें से 4 पद खाली हैं। इनमें से एक नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी हो सकता है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा था। भाजपा को बड़ी जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शीर्ष नेतृत्व भाजपा संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने की घोषणा कर सकता है। भाजपा संसदीय दल के 11 सदस्यों में से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद उनके 2 पद खाली हो गए थे। इसके बाद थावर चंद्र गहलोत के राज्यपाल बनने और वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद से 2 और पद रिक्त हैं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से खाली होने के बाद अब संसदीय बोर्ड पर फोकस कर रहा है। जल्दी ही इसके 4 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ ही 3 अन्य पद पर भाजपा के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेताओं को आसीन किया जाएगा। यूपी में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद सीएम योगी की कार्यकुशलता की हर जगह तारीफ हो रही है और उनके कामों की लोग सराहना कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पार्टी आला कमान उन्हें इसका तोहफा दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा, जो कि दूसरे कार्यकाल के बाद पहला दिल्ली दौरा है, ये काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से यूपी में कई बड़ी जिम्मेदारियां सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली हैं, तो एक और यानी कि संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने की जिम्मेदारी भी उनके जिम्मे आ सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में नहीं, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।